children, welcome back to my conversation class. Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Today I will start new chapter. Okay, the chapter 15. The chapter name is Test Your Knowledge. Test Your Knowledge मतलब आपकी परीक्षा ले रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए. नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? मुझे नहीं मालूम. ठीक है, उस नॉलेज को देखने के लिए कितनी नॉलेज आपके पास है. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है पापा और सैम के बीच में. किसके बीच में? पापा और सैम के बीच में, कि देखे कि बेटे को कितना आता है. तो कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, और सन का नाम क्या है? सैम. सैम, पापा आई नीड सम हेल्प. उसने पापा से कहा, पापा मुझे कुछ मदद चाहिए आपसे. तो पापा ने कहा, पापा व्हाई, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? सैम, देयर आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन दिस मैगजीन बट आई डिड नॉट नो द आंसर्स. उसने कहा, पापा मैं ये मैगजीन देखता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर है इंटरेस्टिंग वाले, लेकिन मुझे उनका आंसर नहीं आया. तो पापा ने कहा, पापा फाइंड गो हार्ट. पापा ने कहा, ठीक है इधर. सैम, हु लिव इन द व्हाइट हाउस इन द यूएसए. उसने पूछा, पापा पहला क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस इन यूएसए में कौन रहता है? पापा, इट्स वेरी सिंपल, टेल मी हु लिव इन द राष्ट्रपति भवन. पापा ने कहा, अच्छा ये बताओ राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? तो सैम ने आंसर दिया, सैम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो रहता है. पापा, यस सिमिलरली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव इन द व्हाइट हाउस. जैसे यहां पे प्रेसिडेंट रहता है तो वहां पे व्हाइट हाउस में वहां का प्रेसिडेंट रहता है. सैम, पापा द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज. पापा, ओ सैम डू नॉट स्टेमर, रीड इट आउट. उसको कुछ पढ़ने लगा तो गलत पढ़ना. पापा ने कहा, ठीक से पढ़ो. तब उसने पढ़ा. सैम, पापा व्हाट इज द रिप्लेस. पापा, Sam, do not you know the answer to such a simple question? इतना सिंपल क्वेश्चन आप नहीं जान पा रहे हो. सैम ने कहा, आई एम सॉरी पापा, आई डू नॉट नो. पापा सॉरी, मुझे नहीं आता. तो पापा ने कहा, बताया. रिप्लेस मतलब होते जो रेंगने वाले होते हैं. रिप्लेस आर एनिमल दैट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, हाउ एवर सम ऑफ द आर गुड स्विमर्स. पापा ने कहा, जो रेंगने वाले होते हैं, आपने देखा ना रेंगने वाले चीज होती है उनको कहते हैं, और कुछ उनमें से तैर भी लेते हैं. कुछ आपने देखा स्नेक पानी में भी तैर लेता है, मेंढक बाहर भी कूदता है पानी में भी तैरता है, मछली को देखो. लेकिन मछली है कि थोड़ी देर के लिए बाहर रहेगी फिर मर जाएगी. तो लेकिन सांप जो है पानी वाले सांप भी होते हैं. ठीक है, तो उसने कहा, कुछ समझ गए. सैम, पापा do snakes have legs? As far as I know, snakes do not have legs. अब उसने क्वेश्चन करा, पापा इसमें लिखा है कि स्नेक जो होते हैं सांप, उनके पैर होते हैं? पापा, you are right, sir. Snake do not have legs. उसने कहा, बेटा बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, स्नेक के पैर नहीं होते हैं, तभी ना वो रेंगता है. तो सैम, डैड वन लास्ट क्वेश्चन. अब उसने कहा, पापा ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. पापा, यस आस्क. पापा ने कहा, पूछो. सैम, व्हाट इज द सोलर एनर्जी. अब उसने पूछा, पापा सोलर एनर्जी क्या होता है? पापा, द एनर्जी गिवन बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, सो इम्प्रूव योर जीपी. पापा ने कहा, सोलर सिस्टम होता है जो हमें सूरज देता है. और पापा ने कहा, अब तुम अपना जीके इंप्रूव करो. अधिकतर बच्चे जीके नहीं पढ़ना मानते हैं, पर पढ़ना चाहिए, उससे नॉलेज बढ़ती है बेटा जीके से. आप और कन्वर्सेशन भी आप लोग पढ़ना नहीं मानते, लेकिन पढ़िए. जब आप कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि
कैसे हमें किससे कब कहाँ पे कैसे बात करनी है। जैसे हर एक जगह पे जाकर हर एक प्रकार से बात होती है। जैसे सब्जी लेने जाएंगे तो वहाँ पे अलग लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में अगर बात पूछोगे तो अलग बोलना है, स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ अलग बात करनी है। तो जब आप कन्वर्सेशन से पढ़ोगे, कन्वर्सेशन की बुक से या एक दूसरे से कन्वर्सेशन करोगे तभी आप लर्न कर पाओगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ लर्न दिस चैप्टर properly, read and learn. Okay children, good, take care and good luck.